थैंक यू सर। थैंक यू विनय भूषण। माननीय राकेश सिन्हा जी। उपसभापति महोदय, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल अमेंडमेंट बिल के समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि वेल ड्राफ्टेड वेल थॉट एक बिल को उन्होंने सदन के सामने प्रस्तुत किया है। जिस बात की चर्चा आज से 20 वर्ष पहले होनी चाहिए थी, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज, यह समझौता 1973 में वाशिंगटन में हुआ था। भारत ने 1976 में रेटिफिकेशन किया था, 1979 में इसका एक अमेंडमेंट हुआ था। 76 से लेकर लगभग 50 वर्षों तक हम इस पर ध्यान नहीं दिए। उपसभापति महोदय, भारत को कई बार फटकार मिला। 183 देश इस कन्वेंशन में शामिल हैं। 182 देशों से भारत के ट्रेड पर प्रतिबंध लगाने की भी धमकी दी गई थी। इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिन बातों पर ध्यान दिया जा रहा है, जो अब तक उपेक्षित थी लेकिन जो मानव अस्तित्व के लिए, पृथ्वी के अस्तित्व के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक है, जो राजनीति का हिस्सा नहीं है, नई दिल्ली में चाहे जिसकी भी सरकार हो, पर्यावरण मंत्री और प्रधानमंत्री जो कोई भी हो, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो मानव के अस्तित्व से, मानव के हित से और पृथ्वी के संरक्षण से जुड़ा होता है, वो राजनीति का विषय नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मैं जिस बात की आज चर्चा नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं उस बिल पर आने से पहले मैं उन दो बातों की चर्चा करूंगा। आज विपक्ष से एक बात आई, यह बिल संघीय व्यवस्था के प्रतिकूल है। कैसे प्रतिकूल है उसका कोई तार्किक बात नहीं कही गई। संघीय व्यवस्था कोई नारे की चीज नहीं है। संघीय व्यवस्था की पवित्रता को यह देश जानता है कि राज्य और केंद्र के बीच हमारा संबंध एक पवित्र संबंध है। वह रिश्ता कोई अपॉर्चुनिज्म का नहीं है, अवसर का नहीं है। वह रिश्ता संवैधानिक बातों से सिर्फ स्थापित नहीं है, वह हमारी भावनात्मक बातों से स्थापित है। भारत ने 60 वर्षों से इन्वेजिव प्लांट्स और एनिमल्स के कारण 127 बिलियन रुपए का नुकसान पहुंचाया है 60 साल में। 127 बिलियन का तात्पर्य आप समझते हैं, खरबों रुपया आपने खो दिया। जिन ट्राइबल की बात कही जा रही है, इन खरबों रुपया में तो जिस सहरिया ट्राइबल की चर्चा करते हुए कहा गया कि चिता के लाने से वे ट्राइबल खतरे में आ गए हैं, उनको विस्थापित कर दिया गया है। गलत सूचनाओं के आधार पर सदन में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। सहरिया ट्राइब वहां पर है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए अभिनंदन करना चाहता हूं, जो चिता पहली अंतिम बार 1947 में देखा गया, 1952 में ऑफिशियली कहा गया कि चिता की समाप्ति भारत से हो गई, 8 चिता को लाया ही नहीं गया। हमारा जो पृथ्वी का परिवार है, जो हम अर्थ को मां मानते हैं और अर्थ में रहने वाला चाहे पशु पक्षी हो, चाहे वनस्पति हो, चाहे मनुष्य हो, उस भारतीय संस्कृति और परंपरा में जो हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उस चिता को लाने का काम प्रधानमंत्री जी ने जब किया, तो सहरिया ट्राइब के कुछ परिवारों को व्यवस्था के तहत, 20 से 22 परिवारों को व्यवस्था के तहत वहीं पर उन्हें विस्थापित किया गया। और सहरिया ट्राइब की स्थिति क्या हुई, जो सहरिया ट्राइब 2 जून खाने के लिए तरसते थे, पर्यटन के कारण सहरिया ट्राइब के लोगों की आमदनी,
उनका पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, जिस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया जाना चाहिए, भारत की सरकार का अभिनंदन करना चाहिए। सहरिया ट्राइब आज उन आठ चितों के आने के बाद से उनकी पूरी पर्यावरण बदल गई है, जीवन का पर्यावरण बदल गया है। इससे पूरे देश और दुनिया को जानना चाहिए, सिर्फ आठ चिते नहीं आए हैं, भारत के वन्य जीवन के संरक्षण के दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। और इस महत्वपूर्ण कदम को उन ट्राइब के कंधे पर हम पर बंदूक नहीं चलानी चाहिए। आप जाकर सहरिया ट्राइब से मिलकर आइए, जो नहीं गए हैं जाकर देखें। पर्यटकों की संख्या बढ़ने का प्रभाव क्या होता है, ये शायद हम नहीं जानते हैं। यदि यही पर्यटन बिहार में बोधगया के नाम पर, वैशाली के नाम पर बढ़ गया होता तो जीडीपी 7% बढ़ता। आप पर्यटन नहीं बढ़ा रहे हैं, हम पर्यटन बढ़ा रहे हैं। जहां मौका मिलेगा हम लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और वनवासियों के जीवन को सुरक्षित संरक्षित कर रहे हैं। सभापति महोदय, भारत में पूरी दुनिया का 8% वाइल्ड लाइफ है। जो विविधता हमारे जीवन में, वो विविधता हमारे वन्य जीवन में भी है। उस विविधता के संरक्षण में हमें कहां चूक हुई? जब प्रधानमंत्री जी अमृत काल कहते हैं तो अमृत काल सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, उन पशु पक्षियों के लिए भी है जिनका भारत शरण स्थल है। हम जिस संस्कृति से आते हैं उस संस्कृति में सिर्फ स्वयं को नहीं देखते हैं, स्व को नहीं देखते हैं, हम स्व में की परिधि को इतना बड़ा करते हैं कि हमारे इर्द गिर्द आने वाले पशु पक्षी और वनस्पति भी आता है। क्या आपको मालूम है कि ऐसे पशु पक्षी 50% पक्षी विलुप्त हो चुके हैं? क्यों विलुप्त हुए हैं? एक कारण तो प्रदूषण और पर्यावरण का होता है, दूसरा कारण ट्रैफिकिंग का है। दुनिया में जिस प्रकार के ट्रैफिकिंग होते हैं, पहला ट्रैफिकिंग का नारकोटिक्स में है, दूसरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, तीसरा फॉरफिटेड चीजों पर है, और चौथा जो ट्रैफिकिंग में आता है वह वाइल्ड लाइफ के चीजों पर आता है। इसका मार्केट कितना बड़ा है सभापति महोदय? $19.2 बिलियन का मार्केट 2021 में इस ट्रैफिकिंग से हुआ है। जो भारत के आंकड़ों में देखा जाए तो खरबों रुपए का ट्रैफिक पूरी दुनिया में हो रहा है, जिसमें भारत का की भागीदारी 20% है। यदि 100-50 खरब है तो उसका 20% ट्रैफिकिंग भारत से होता है। जब हम उस ट्रैफिकिंग को रोक रहे हैं, जब उस ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए हम कानून बना रहे हैं, तो उसमें कौन सी संघीय व्यवस्था को क्षति पहुंच रही है? क्षति उन माफिया को पहुंच रही है जो अपने स्वार्थ के लिए पर्यावरण को समाप्त कर रहे हैं, जो अपने लाभ के लिए संघीय व्यवस्था को मोहरा बनाकर हम पर आक्रमण कर रहे हैं, उन माफिया को जो वन्य जीवन को समाप्त कर रहे हैं, उनके लिए खतरे की घंटी नहीं है, उनको सीधा सीधा ये चेतावनी है। सभापति महोदय, 1,20,000 प्लांट्स और एनिमल्स इन्वेजिव हैं। इन्वेजिव प्लांट्स और एनिमल्स उनको कहते हैं जो किसी खास देश का नहीं होकर बाहर से आते हैं। बाहर से आने वाले हुए प्लांट्स और एनिमल्स जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को, पर्यावरण को खतरा पहुंचाता है, यानी इकोनॉमी को, इकोलॉजी को और एनवायरमेंट को जो खतरा पहुंचाता है, ऐसे इन्वेजिव प्लांट्स हैं। इनकी संख्या 1,20,000 है, जो पूरी दुनिया के 6 देशों में है, उन 6 देशों में भारत भी है। वे देश कौन है? यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है और भारत भी है। यानी 1,20,000 प्लांट्स और एनिमल्स भारत पर भी हैं। उसका मैं एक नाम लेना चाहता हूं, उसका लोटाना कैमरे नाम का एक इन्विजिव प्लांट है जो 1800 ईस्वी में भारत आया था। आज टाइगर रीजन जिसको कहा जाता है, हिमालयन रीजन, उसका 1,54,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये प्लांट्स फैला हुआ है। इसका हमारे क्लाइमेट पर, इसका हमारी इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ता है इन्वेजिव प्लांट्स का? हमारे सॉइल की प्रोडक्टिविटी घटती है, हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी घटती है, हमारा क्लाइमेट परिवर्तित होता है। यदि इन्वेजिव प्लांट्स को समाप्त करने के लिए बात हो रही है, जो 350 से अधिक आइडेंटिफाई किया जा चुका है
और 3% ऐसे इन्वेजी प्लांट है जिनकी अब तक हम जानकारी भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, क्योंकि दशकों से सदियों से ये प्लांट्स भारत में आते रहे। ऑनरेबल मेंबर, यू मे कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू। नाउ आई विल टेक अप स्पेशल मेंशन।